दुनिया में माँ ऐसी इंसान होती है जिसका बेटा कितना भी मोटा हो पर उसे कमजोर ही दिखता है हमेशा। ये कहानी भी एक ऐसे इंसान की है जो बहुत मोटा होता है और उसका नाम होता है सरमन क्लम्प। सरमन एक प्रोफेसर होता है और ये मोटा होने के साथ साथ थोड़ा अनाड़ी भी होता है और कॉलेज में सारे के सारे स्टूडेंट इसी बात के लिए इसका मजाक भी उड़ाते हैं। तो कहानी के स्टार्ट में हमें प्रोफेसर को दिखाया जाता है और ये अपने कॉलेज की तरफ जा रहे होते हैं और सारे स्टूडेंट इन्हें देख देख के हंस रहे होते हैं। और जैसे ही कॉलेज में पहुंचते हैं तो दिखाया जाता है कि 5000 से ज़्यादा हैमस्टर पूरे कॉलेज में फैल गए हैं और सब जगह वो तबाही मचा रहे हैं, सब जगह वो पहुंच रहे हैं अलग अलग जगह पर। हैमस्टर दिखने में तो चूहे की तरह होते हैं पर ये चूहे से काफ़ी ज़्यादा क्यूट होते हैं। हादसा होने के बाद हादसे की जाँच की जाती है, फिर पता चलता है कि एक दिन सरमन के पैक से एक बटन दब गया था और उसे पता नहीं चलता और सारे के साथ हैमस्टर आज़ाद हो जाते हैं और सब जगह फेरने लग जाते हैं। फिर सरमन अपने फेवरेट हैमस्टर के पास जाता है जो उसकी तरह फैट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये सब मिलके एक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। ये डीएनए में चेंज करके वेट लॉस का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। फिर देखते हैं कि इसमें ये अपने फेवरेट चूहे पर ये एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते देखते उसका वेट लॉस होने लग जाता है और वो बहुत पतला हो जाता है। जब सरमन अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है तो उनका डीन उसे ऑफिस में बुलाता है। डीन ने सरमन को इसलिए बुलाया होता है क्योंकि उसकी वजह से पहले ही बहुत प्रॉब्लम हो गई होती है वो हैमस्टर वाली। तो डीन उसे वार्न करता है और बोलता है कि हमें डोनेशन मिलने वाला है तो अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एक तुम्हें से तुम्हारी ये लास्ट वार्निंग है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सरमन बोर्ड पर कुछ लिख रहा होता है और लिखते लिखते उसके मोटे पेट की वजह से जो वो लिख रहा होता है वो साथ के साथ मिटते भी जाता है। सारे के सारे स्टूडेंट ये सब कुछ देख के हंस रहे होते हैं। तभी एक नए टीचर की एंट्री उसकी क्लास में होती है। ये केमिस्ट्री टीचर होती है, वो सरमन से हाथ मिलाती है और उसे बोलती है कि उनके सरमन का काम बहुत पसंद है। पर टीचर सरमन को देखने के बाद थोड़ा सा शॉक हो जाती है और सरमन टीचर को देखने के बाद कुछ ज़्यादा ही शॉक हो जाता है। कुछ देर बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि सरमन अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा है और उसकी सारी की सारी फैमिली भी मोटी है। फिर हमें सरमन के फादर को दिखाया जाता है जो बोल रहे होते हैं कि तुम सब कुछ कर लेना पर कभी पतला होने के लिए मत सोचना। उनके फादर की कुछ ऐसी हरकतें भी दिखाई जाती है जो थोड़ी अजीब होती है, जैसे खुले में फाट करना, अपना मतलब हरकतें कुछ ऐसी करना। सारी की सारी फैमिली उसके फादर की हरकतों से हंस रही होती है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि सरमन अपनी मॉम से बातें कर रहा है और उसकी मॉम उससे बोलती है कि तुम भले ही मोटे हो पर तुम बहुत अच्छे हो। इससे उसको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है और वो अपनी केमिस्ट्री टीचर को जाके डेट के लिए बोल देता है। टीचर भी हाँ बोल देती है। ये सुनने के बाद हमारा बेटी बहुत खुश होता है और घर आ जाता है। फिर सरमन काफ़ी खुश होता है और वो टीवी देखने लग जाता है। टीवी देखते देखते उसे एक एड दिखाया जाता है कि उसमें फैट इंसानों के लिए एक ऐड आ रहा होता है। उसमें बोलते हैं कि हाँ हम कर सकते हैं, हम पतले हो सकते हैं। इस बात को सुन सुन के अपना फैटी भी बहुत खुश होता है और वो बोलता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और वो काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाता है उसके अंदर। फिर फैटी अगले सुबह उठता है और वो जिम ज्वाइन कर लेता है, काफ़ी सारी क्लासेस भी ज्वाइन कर लेता है, क्लासेस करने लग जाता है, एक्सरसाइज करने लग जाता है। फिर अगले दिन वो एक बार में जाता है डेट के लिए। हमारा फैटी एक टीचर के साथ काफ़ी खुश होता है। तभी हमें एक कॉमेडियन को दिखाया जाता है। कॉमेडियन की एक बात होती है कि जब भी किसी इंसान को देखता है, नए इंसान को जिसके लिए वो एक मजाक बना सके, तो वो इस बार फैटी को देख लेता है और फैटी को देख देख के वो उसका मजाक उड़ाने लगता है। फैटी इस बात से काफ़ी गुस्सा होता है, इस बात से केमिस्ट्री टीचर भी बहुत गुस्सा होता है। फिर फैटी घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद फैटी आइसक्रीम खाने लगता है। आइसक्रीम खाते खाते वो बेहोश हो जाता है और वो सपना देखने लगता है कि वो हॉस्पिटल में है और वो काफ़ी मोटा होते जा रहा है। वो इस अपने हॉस्पिटल से भी ज़्यादा मोटा हो जाता है और एक फाट करता है। फाट करते हैं पूरी सिटी को उड़ा देता है। इस बात को सोचने के बाद उसे होश आ जाता है और वो देखता है तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो कुछ सोचता है और फिर अपने कॉलेज की तरफ जाने लगता है और वो अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करने लग जाता है। वो एक्सपेरिमेंट को अपने ऊपर ही करने वाला था और अपने ऊपर कर लेता है। फिर वो सोचता है शायद इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होने वाला है और हमें दिखाया जाता है कि कंप्लीट हो जाता है एक्सपेरिमेंट और हमारा फैटी पतला हो जाता है। इस बात को देखने के बाद हमारा फैटी बहुत खुश होता है और चारों तरफ घूमते हुए डांस करने लगता है, उछलने लगता है कि मैं पतला हो गया हूँ, देखो मुझे पतला हो गया हूँ। और फिर वो एक मॉल में जाता है और वहाँ पे अपने कपड़े लेता है। तभी केमिस्ट्री टीचर यहाँ पे आ जाती है और हमारा फैटी उससे मिलके अपना नाम बड़ी बताता है और उससे बोलता है कि मैं नया लैब असिस्टेंट हूँ। और ये देखने के बाद वो उसे फ्लर्ट करने लगता है और उसे डेट के लिए पूछता है।
पर उसे मना कर देती है हमारी केमिस्ट्री टीचर। फिर वो जैसे ज़बरदस्ती करता है तो फिर हाँ बोल देती है, पर तभी दिखाया जाता है कि फैटी मोटा होने लग गया है और वो वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि फैटी बाहर है और अपने रियल फेस और लुक के साथ है और टीचर उसके पास और उससे बातें करने लग जाती है। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है कि बड़ी पार्टी में जा रहा है तो कार लेके जाता है, फिर पार्टी में उसे वही कॉमेडियन दिखता है तो कॉमेडियन बड़ी को देखने के बाद उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करता है पर बड़ी उल्टा ही उसका मजाक उड़ा देता है। फिर इनमें एक बैटल स्टार्ट हो जाती है, दोनों एक दूसरे के साथ बैटल करने लग जाते हैं। ये एक जोक बैटल होती है और हमें दिखाया जाता है कि वो कॉमेडियन इससे बहुत गुस्सा होता है और उसके ऊपर हाथ उठा देता है। फिर लड़ाई करते हैं थोड़ी सी, उसके बाद सब फैटी के लिए क्लैप करते हैं। फिर हमें फैटी के फ्रेंड को दिखाया जाता है जिसके पास वेटर आता है, तो वेटर की प्लेट में बड़ी का कार्ड होता है, तो ये देखने के बाद सोचता है कि शायद बड़ी ने फैटी का कार्ड चुरा लिया है और वो भागते हुए बड़ी का पीछा करने लग जाता है और कार के अंदर घुस जाता है। तभी बड़ी है ना मोटा होने लग जाता है, उसके होंठ बाहर आ जाते हैं, उसका शरीर फूलने लग जाता है। ये देखने के बाद उसका पार्टनर काफ़ी शौक हो जाता है और अचानक से बड़ी फैटी बन जाता है। फिर फैटी को कार से बाहर निकालने के लिए कार को कट करना पड़ता है। फिर अगले सीन का हमें सीन दिखाया जाता है, फैटी कॉलेज में होता है, क्लास में कोई नहीं होता, वहाँ पे डीन होता है अकेला। वो भी काफ़ी गुस्से में होता है क्योंकि उसने ना बड़ी के नाम पे एक कार्ड ली होती है और वही स्पोर्ट कार्ड होती है जो कल रात को कटी थी। उसको देखने के बाद वो बोलते हैं कि तुमने इसके नाम पे बहुत कर्जा लिया है तो अब दोबारा इसके ऊपर कोई खर्चा मत करना फालतू का। बोलते हैं कि हार्लन के फंड में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि टीचर फैटी के घर पे आई है डिनर के लिए और उसकी फैमिली वाले उससे काफ़ी पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ रहे होते हैं और उसके फादर बार बार फाट कर रहे होते हैं। उससे हमारी टीचर वहाँ पर काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील करने लग जाती है और फैटी उससे सॉरी बोलते हुए उसे बाहर छोड़ने आता है और काफ़ी सारी बातें भी करने लग जाती। फिर जाते जाते टीचर फैटी से बोलती है कि उसे बड़ी के कॉल का वेट है। फिर फैटी भी वहाँ से निकल जाता है, वो लैब की तरफ जाने लग जाता है और बड़ी बनने के लिए सीरम लेने के लिए तैयार हो जाता है। फैटी लैब में आ जाता है और सीरम ले लेता है और एक्स्ट्रा सीरम बनाने लग जाता है बात के लिए। और फिर जब भी उसका पार्टनर आ जाता है और वो उसे रोकने लग जाता है कि इसके काफ़ी सारे साइड इफेक्ट हो जाएंगे तुम्हारे ऊपर, तुम इसे बार बार लोगे तो तुम बड़ी बन के रह जाओगे। पर बड़ी उसको पागल बना के वहाँ से निकल जाता है और वो टीचर के पास आके एक पार्टी में जाता है। फिर हमें डीन को दिखाया जाता है, डीन बड़ी से बोलता है कि अब तुम फैटी की जगह काम करोगे और फैटी को मैं निकाल रहा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि टीचर बड़ी को इधर उधर ढूंढ रही होती है पर बड़ी दूसरी गर्ल्स के साथ मजे कर रहा होता है, तभी उस पर टीचर गुस्सा करने लगती है। तो बड़ी बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी लड़की हो मुझे बस उसके साथ रहना है। फिर बड़ी पूरी रात पार्टी करता है, इन्जॉय करता है और वो अपने डीन से भी मिलता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है कि जब वहाँ पे बड़ी सोया था तो जब सुबह उठता है तो वहाँ पे फैटी उठता है। ये देखने के बाद फैटी बहुत शौक होता है, जब वो बाहर जाता है तो उसे टीचर देख लेती है और वो उस पर शक करने लग जाती है, उससे बोलती है कि तुम भी बड़ी की तरह हो, तुम्हारे भी बहुत सारे लड़के के साथ अफेयर है। फिर तभी वहाँ पे डीन आता है और वो उससे बोलता है कि तुम्हें अपने जॉब से निकाल रहा हूँ। जब शाम को फैटी घर पर जाता है तो वो टीवी चलाता है तो वहाँ पर VCR चलता है और दिखाया जाता है कि वहाँ पे बड़ी उसका काफ़ी मजाक उड़ा रहा है, उसकी बोरिंग लाइफ से काफ़ी परेशान है। तभी गुस्से में आके फैटी उसका सारा का सारा सीरम डिस्ट्रॉय कर देता है और लैब में जाके भी सारा सीरम डिस्ट्रॉय कर देता है। पर तभी वो उसकी एनर्जी ड्रिंक में भी सीरम मिला देता है, जैसे वो एनर्जी ड्रिंक पीता है तो वापस बड़ी बन जाता है। फिर हमें फैटी के पार्टनर को दिखाया जाता है जो कंप्यूटर में कुछ देखने के बाद पता चलता है कि फैटी अगर दोबारा अगर इस डोज को लेता है तो वो परमानेंटली बड़ी बन जाएगा और फिर फैटी मर जाएगा हमेशा के लिए। फिर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बड़ी बार बार मोटा और पतला हो रहा होता है, इसमें फैटी भी होता है एक तरफ बड़ी होता है। तो फैटी उसे रोकने की कोशिश करता है, उसे डोज लेने से बार बार रोकने की कोशिश करता है और बड़ी बार बार डोज लेने की कोशिश करता है। फिर आखिर में फैटी जीत जाता है और वो डोज नहीं ले पाता और परमानेंटली वो फैटी बन जाता है। फैटी को बार बार चेंज होता देख सारे शौक हो जाते हैं। फिर फैटी सबको सॉरी बोलता है और सबको सारी स्टोरी बता देता है, ये सब कुछ सीरम की वजह से हो रहा था। सीरम के फ़ायदे तो ये है कि इससे पतले हो जाते हैं पर इसका नुकसान भी है कि इससे एक दूसरी पर्सनैलिटी हो जाती है। हमारी टीचर को दिखाया जाता है, फैटी के पास आती है और उसे डांस के लिए बोलती है तो फैटी भी हाँ बोल देता है, फिर एक दूसरे के साथ डांस करने लग जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि डीन को उनके लिए फंड भी मिल चुके हैं, वो सारे के सारे काफ़ी खुश होते हैं। इस तरह ये मूवी भी ख़त्म हो जाती है।